हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होगे, सब बहुत अच्छे होगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 ऑयलिंग बनाया है अपने आपके बालों के लिए। मैंने खुद पे ये टेस्ट कर लिया है तीनों, फिर मैं आप सबको बता रही हूँ बहुत अच्छा ऑयलिंग है। मैंने मेनली फोकस किया है जिनका बाल झड़ता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे स्वेटिंग, डैंड्रफ या स्कैल्प में इरिटेशन, उन सबका सोल्यूशन मेन पहली होता है ऑयलिंग करने के तरीके से। आप इन सबको हटा सकते हो। जहाँ पे मैं पहला ऑयल बना रही हूँ जो कि है पैराशूट ऑयल, मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ पैराशूट का, ये मेरे खुद के व्यूज़ हैं और ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं रहता है, केमिकल्स की बात नहीं कर रही हूँ, और भी चीज़ें होती है जो कि ऐड नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे पैराशूट ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। एंड आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी यूज़ करने के लिए। फिर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा अदरक, एंड फ्लेम को सबसे ज़ीरो में रखिएगा, उसको हाई मत कीजिएगा। फिर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे मेथी का सीड्स जो कि मैंने क्रश करके यूज़ किया है। एक दिन पहले मैंने इसको भिगो लिया था अच्छे से, एक दिन पूरा दिन, उसके बाद मैंने इसको ड्राई किया था सन ड्राई, फिर इसको मैंने क्रश करके यूज़ करी हूँ। आप भी इसी फॉर्म में यूज़ कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, स्किप मत कीजिए कोई भी वीडियो, नहीं तो एक भी चीज़ छूट जाएगा फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। इसके साथ मैं ऐड करूँगी कलौंजी एंड अजवाइन। कलौंजी आप स्किप मत कीजिएगा, अजवाइन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। आप सबको पता होगा कि कलौंजी बूस्ट करता है आपके स्कैल्प को ताकि आपका ग्रोथ अच्छा हो। कलौंजी एंड अदरक का भी आप डायरेक्टली बना सकते हो। मैं बॉइलिंग तरीके से इन्फ्यूज़ कर रही हूँ इन सब चीज़ों को। आप चाहो तो एक साथ सारी चीज़ें एक कंटेनर में ऐड करके ऑयल डाल के फिर आप 10 दिन के लिए छोड़ दो उसको, फिर आप 11वां दिन यूज़ कीजिए। आप उस इन्फ्यूज़न के टेक्निक से भी यूज़ कर सकते हो, पर ये इंस्टेंट बन जाता है इन्फ्यूज़न, इसलिए मैं बॉइलिंग टेक्निक से यूज़ कर रही हूँ इन्फ्यूज़ करना। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद आप इसको ठंडा कर दीजिए, एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, एंड दूसरे दिन आप इसको इस सब चीज़ों को छान के फिर आप अपने बाल पे ऑयलिंग कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करेगा आपके बाल पे, मेनली आपके जो भी इरिटेशन का प्रॉब्लम हुआ सारे के सारे दूर हो जाएंगे, एंड ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। एक मिनट से ज़्यादा नहीं लगता इसको बनने में। फिर मैं दूसरी बार में भी यही ऑयल, कोकोनट ही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, दूसरा तेल बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ड्राइड भी यूज़ कर सकते हो, या चाहो तो आप पाउडर फॉर्म में भी, तो तीनों में से आपको जो मिल जाए मार्केट में इजीली आप वो यूज़ कर सकते हो। आंवला आप सबको पता होगा कि बाल के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पहले से भी यूज़ करते आ रहे हैं लोग। एंड करी लीव्स ऐड कर रही हूँ। करी लीव्स स्कैल्प में जो इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, स्वेटिंग की वजह से हो जाता है, उन सबको भी क्लीन अप करने में हेल्प करता है। एंड फिर वो सब क्लीन अप हो जाएगा तो आपका बाल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऑयल ऐड करूँगी क्योंकि मैं एक साथ बना के रख लूँगी कुछ दिन के लिए, मुझे बार बार नहीं बनाना पड़ेगा तो अच्छा रहता है। आप चाहो तो एक महीना के लिए बना के रख सकते हो, 2 महीना के लिए बना सकते के रख सकते हो, जैसे आप स्टोर करोगे उस पर डिपेंड करता है कि कितना दिन आपका ऑयलिंग अच्छे से रहता है। फिर मैं यहाँ पे मेन जो इंग्रेडिएंट है इसका जो कि है ऑनियन। आप सबको पता होगा कि ऑनियन आपके स्कैल्प के लिए कितना अच्छा है, आपके बाल के लिए कितना अच्छा है, बूस्ट करता है आपके बाल को, आपके ग्रोथ में बूस्ट करता है, 10 गुना ज़्यादा बूस्ट अप करता है, पर हम लोग उसको स्किप करना चाहते हैं क्योंकि उसका स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार होता है, एंड उसका जो पल्पीनेस होता है वो बाल में बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। लेकिन मेन जो मेरा है खुद का वो है स्मेल। स्मेल 2-3 दिन तक नहीं जाता, इसके लिए मैं स्किप करती रहती थी, पर मुझे इसका बिल्कुल सिंपल तरीका मिल गया। इसको मैं बॉयल के फॉर्म के रूप में आप इसको यूज़ कीजिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सारे के सारे इसके जो भी गुण हैं वो ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। इन्फ्यूज़न टेक्निक मेन है ऑयलिंग में, इसलिए इन्फ्यूज़न टेक्निक सब यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छे से इसका बॉयल होने दीजिए, स्मेल चला जाएगा। बॉयल एकदम 0 फ्लेम पे रखना है, उसी पे बॉयल कीजिएगा, नहीं तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये बॉयलिंग की टेक्निक से इन्फ्यूज़ हो सकता है।
एंड बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। इसको मैं पहला नंबर पे इस ऑयलिंग को आप सबको बोलूँगी। जो वेजिटेरियन है, जो अंडा यूज़ नहीं करता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन 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 है। आप इसको एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थर्ड जो कि है, सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपके बाल के ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये मेनली ग्रोथ के लिए है। दो इंग्रेडिएंट के साथ मैंने बनाया है, मेनली जो बूस्ट अप करता है आपके ग्रोथ में, जो कि है हाइबिस्कस। हाइबिस्कस शायद आप सबको नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता था, मैंने लॉकडाउन में इसके बारे में पढ़ा था, मुझे पता चला। ये मैंने पहले फ्रेश वाला यूज़ किया था, फिर मुझे नहीं मिला तो मैंने पाउडर के फॉर्म में मुझे मिल गया, तो मैं इससे भी यूज़ की हूँ, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उसके साथ मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा आंवला पाउडर। हाइबिस्कस का पेस्ट भी आप लगा सकते हो मास्क के रूप में भी, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं, मैं आगे की वीडियो में बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पर ऑयलिंग पहला होता है स्टेप, इसलिए मैं ऑयलिंग बता रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को इन्फ्यूज़ होने दें, एक मिनट से ज़्यादा इन्फ्यूज़न नहीं लगता है। उसके बाद थोड़ा सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप गैस बंद कर लीजिएगा, ठीक है। हाइबिस्कस बहुत अच्छा करता है आपके बाल के ग्रोथ में, स्कैल्प को, स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं उसके ओपन करता है, एंड उसको इन्फ्यूज़न करने में बहुत अच्छा करता है। फिर तीनों ऑयल को मैं अच्छे से स्टेन कर लूँगी, छान के मैं रख लूँगी। एंड कभी भी आप ड्राई कंटेनर में रखिएगा ये ऑयल्स को, कभी भी थोड़ा सा भी, एक ड्रॉप भी, आधा ड्रॉप भी अगर पानी का रहेगा आपके कंटेनर में या जहाँ पे आप स्टोर करोगे, तो उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होने का 120% चांस रहता है होने का, जिसकी वजह से आपको गलत रिज़ल्ट मिल सकता है आपके बाल पे, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, डैंड्रफ हो सकता है, या चाहे कुछ और भी हो सकता है। फिर आप बोलोगे कि आपको निगेटिव रिज़ल्ट मिला है, तो इसलिए आप हमेशा ही ड्राई कंटेनर में इसको रखिएगा। कभी भी ऑयल एंड वाटर निगेटिव ही रिज़ल्ट मिलाता है, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। आप देख लो, तीनों ऑयल को मैंने अच्छे से छान के मैं एकदम ड्राई कंटेनर में रख लूँगी। मुझे ये 6 महीना बहुत इजीली चलेगा, वीक में मैं 1 से 2 बार यूज़ करूँगी। आपको देख लीजिएगा, 2 महीना में बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया था कि मैंने ऑनियन का जूस रखा है, मैं आज 5 घंटा के लिए लगा लूँगी। थोड़ा सा ऑयल जो कि जिंजर वाला था पहला वाला, उसके साथ मैंने थोड़ा सा ऑनियन का जूस, आप चाहो तो नींबू भी रस लगा के एंड छोड़ लीजिए, 5 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा मत छोड़िएगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एंड धो लीजिए अपने बालों को। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। बाय।